आज देखिए है फ्राइडे वीकेंड, हमारे यहाँ फिर जो है एक बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत दिन से नहीं आ रहे थे, आज बहुत अच्छा लग रहा, दिखाते हैं मधुरी जी को। तो मधुरी जी बताइए कैसा लग रहा है हमारे यहाँ? अच्छा, किचन बन गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऊंचाई गिरेगा अब। देखिए उबलता बच्चा है आ गया। हमारी बीवी हमेशा कहती है जानू कम कीजिए, हम वीडियो बना रहे हैं। आइए देखिए, श्रुति जी हमारे यहाँ आए हैं। श्रुति जी बताइए कैसा लग रहा है आपको? भाई हमको स्मिता जी के घर आके बहुत अच्छा लगता है। मान लिए भैया आपका भी घर है, लेकिन घर हमेशा औरतों का होता है, तो हम स्मिता जी। नहीं, इंसाफी हो रहा हमारे साथ। मजा तो लड़की लोग, आप लोग बना क्या रहे हैं भाई? हम कुछ भी नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ खाने में विश्वास करते हैं। स्मिता जी इतना अच्छा खाना बनाती हैं, हम सिर्फ बैठे बैठे स्मिता जी की थोड़ी सी मदद कर देते हैं। क्या बनाने में मदद हो रहा है? ये बन रहा है पैटीज। अच्छा, ये देखिए, ये रहा, ये हमारे बेदुर जी दूर चले गए हैं, रेस्ट चेयर पे आराम कर रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए मिसुरी। हम बस ये कह रहे हैं कि घर जो है हाँ काफी अब भरा पूरा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, बहुत ठीक। अच्छा, चलिए अब हम बंद करते हैं। ये देखिए लड़की लोगों ने क्या बनाया है, देखा जाए। बेदुर जी तुम खाने के लिए बेकरार हो रहे हैं, बहुत भूख लगा उनको। ये देखो ये भाई, ये आपका प्लेट नहीं है, क्या मस्त बनाया है जानू। बहुत अच्छा बनाया है बे श्रुति जी, तो बहुत अच्छा बनाया। श्रुति जी आप आते रहिए, समझे? बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया बन रहा है। थैंक यू, ये क्रेडिट गोज टू स्मिता जी, हमने सिर्फ मदद किया है। तो बेदुर जी खाने के लिए बेकरार हो रहे हैं आप, लग रहा है ये पैटीज है भाई, इतने दिन में पैटीज। मजा आ रहा है ना? बस बस, चलिए हमें भी बहुत मजा आ रहा है भाई। अब हम लोग पैटीज खाने का मजा लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे बाद में, चलिए बाय। हेलो, मैं हूँ स्मिता जी की दोस्त, और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मटन। हालांकि हम मटन नहीं खाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को मटन खाना बहुत पसंद है, इसलिए स्मिता जी के घर आने का एक बेसिक रीजन ये भी होता है कि मटन अच्छा वाला खाने को मिलेगा, स्पेशली देहाती वाला, इनका खून कर दिया जाए स्पेशली मटन खाने के लिए। सो आज मैं प्रोफेशन से जर्नलिस्ट हूँ, तो आज मैं आपको गाइड करूंगी कि स्मिता जी का स्पेशल रेसिपी क्या है, वो क्या ट्रिक है जो काफी टेस्टी बना देता है इनके मटन को। सो लेट्स सी। तो आज स्मिता जी के गाइडेंस में मैं बनाना सीख रही हूँ मटन। देखिए थोड़ा डाल, थोड़ा और डाल दीजिए। तो हम लोग सरसों ऑयल में बना रहे हैं, बेसिकली इसका फ्लेवर टेस्ट जो है वो झांस जो है वो सरसों से ही आएगा। चलिए ये कंटिन्यू करती है, और हम इनके लिए बना रहे हैं चिकन। मैं मटन नहीं खाती हूँ। ये देखिए, ये है मटन जो हम लोग के लिए है, और ये श्रुति जी के लिए हमने चिकन विंग्स है, लेग है। ओके, अच्छा स्मिता जी ये बताइए, सबसे पहले पड़ेगा इसमें खड़ा मसाला, फिर उसमें प्याज जाएगा, प्याज भून जाएगा, प्याज थोड़ा सा भुंजा जाएगा, तो लहसुन अदरक डालेंगे? हाँ, उसी बीच में डालेंगे, और उसके बाद उसी में डाल देंगे मटन। मटन तो ये मटन जो है वो भुनाव सिस्टम से आप बना रही है, या फिर इस मटन को आप प्रेशर कुक करेंगे? भुनाव में प्रेशर कुकर नहीं करना है हमें, लास्ट तक बस इसको पकाना है, विदाउट वो टेस्ट नहीं आता है। नाश्ता में क्या आपको कुछ मिला खाने के लिए? नाश्ता में बहुत टेस्टी सा हमको पैटीज मिला, जिसके अंदर पोटैटो का फिलिंग था, काफी मसाला चटकदार था, बड़ा मजा आया। देखिए ये हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, तो अब जो है ये मस्टर्ड ऑयल स्मोक कर गया है, और इसके अंदर हम डालेंगे खड़ा मसाला। इस खड़े मसाले में क्या है, 2-3 बे लीफ है, 5-6 क्लोव है, थोड़ा 1 टीस्पून जीरा पाउडर है, और 2-3 कार्डमम के पॉड्स हैं, जरा सा हींग है, और ये सारे लाल मिर्चों के साथ ये सारा जो मसाला है इसको हम लोग फोरन में इसमें डाल रहे हैं। अब ये फोरन लग गया है, इसके अंदर हम लोग डालेंगे लाल प्याज। नॉर्मली जितना आपका मटन है उतना प्याज बढ़ता है। प्याज को थोड़ा सा गलाने के लिए इसमें हम लोग नमक डाल देते हैं। श्रुति ये मैं नहीं डालूंगी, इन्हीं को डालने दूंगी, क्योंकि मटन ये बना रहे हैं तो आज पूरा ये डालेंगे, ये छिला हुआ। तो ये हाँ। तो ये है हमारे पास गार्लिक का पॉट्स,
ये चार है और एक किलो मटन है। एक किलो मटन है और हम पीस यहाँ पे थोड़ा गार्लिक का पॉट्स बड़ा भी होता है, बड़ी बड़ी कलियाँ होती है लहसुन की, और हमने यहाँ पे गार्लिक और जिंजर को पीस भी लिया है, और वो टेस्ट के लिए खरा टेस्ट जो होगा ना वो बहुत अच्छा फ्लेवर। हाँ, तो वो मैं खाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा था उनका। आ गया आ गया। तो जैसा आप देखे थे कि हम लोग उसमें लहसुन का पॉट्स डाल दिए हैं, और अब इसके अंदर पड़ेगा लहसुन का पेस्ट। तो उसमें क्या थी? जिंजर, लहसुन जिंजर एंड हमको पता लाल मिर्च भी है क्या? हाँ, ये एक ही फुल ये डाल रहे हैं। ये रहा दूसरा, ये उतना ज्यादा नहीं है, लगभग है, पहला वाला ज्यादा था। अब इसको हम लोग मिला दे रहे हैं। खुशबू जो है वो काफी अच्छी आ रही है। अब हम जा रहे हैं दूसरे कटोरे में एक इसका मसाला तैयार करने, जो पाउडर मसाला है। फिर हम आपको दिखाते हैं उसमें क्या क्या है। ये देखिए मटन, इस मटन के पीसेस को, ये प्याज जो है हम आपको दिखा दे रहे कितना हो, ये प्याज इस टाइप से गल गया है। अब इसमें हम लोग मटन डाल के भूंजेंगे। अब ये मटन इसमें पड़ गया, अब इसको भूंजना है। इसका एक ही रूल है, जितना भूंजिएगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। जब हमारा मटन आधा गल चुका होगा तब इसमें मसाला जाएगा। तो अभी इसको हम लोग हल्का सा ऐसे करके छोड़ दे रहे हैं। अब आपको हम दिखा दें मटन कहाँ तक पहुँचा है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी, हाफ टी स्पून एंड देन भी आधा हाफ। वापस हम लोग इसको हल्का सा ढक के, पूरा नहीं हल्का सा ढक के छोड़ देंगे। और मैं बनाने जा रही हूँ श्रुति जी के लिए चिकन। वो मटन बना रही है, मैं चिकन बना रही हूँ। देखते हैं कौन सा अच्छा होता है, ज्यादा अच्छा इनका वाला होगा। और इनके लिए बना रहे तो अच्छा बनाना ही पड़ेगा। तो अगर मटन अच्छा बन गया तो मैं बनाई, इनके हस्बैंड खुश हो जाएंगे। अगर खराब बना बाई चांस, मटन खराब बन ही नहीं सकता क्योंकि मटन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। स्मिता जी आप कितने दिन पे मटन बनाती हैं? बहुत, एक तो मिलता नहीं है यहाँ पे कल शुरू है में नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल से मिलता है। आज लग था कि आप लोग आने वाले थे, चलो पूछते हैं जाके, पूछे तो बोला हाँ आया तो ले लिए। आई थिंक एक मंथ हो गया है, फिर एक मंथ के बाद खा रहे हैं क्योंकि नवरात्र आने वाला है, उससे पहले जितना खाना है खा लो। नवरात्र में आप लोग का तो व्रत ललन टॉप कम किया जाए, इधर वीडियो हो रहा है। और हमारे मटन का राज MDH का चिकन मसाला, मीट मसाला MDH का इंडिया वाला। तो स्मिता जी फोरन डाल दी है, और फोरन में क्या डाली है मैं आपको दिखाते हैं। तेज पत्ता है, जीरा है, लौंग है, इलायची है, और इसमें जाने वाला है ये रहा हमारा ओनियन। और अभी मैं जा रहा है सॉल्ट। आपको इसी में हम धीरे से अपना मटन भी दिखा दें कि ये देखो कितना पानी मटन छोड़ दिया है अभी। अच्छा, और इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा हल्दी, इसको मिक्स करेंगे और इसको करेंगे हम मीडियम आंच पे। अब इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसको मिक्स करेंगे। मसाला बनाने का टाइम शुरू हुआ, तो अब हम लोग इसमें डाल रहे हैं करीबन 3 हीप कोरिएंडर पाउडर। ये मिर्चा पाउडर है, बहुत ज्यादा तीखा नहीं क्योंकि भैया तीखा कम खाते। अब इसमें पड़ेगा जीरा पाउडर, ये 2 चम्मच डाल दे रहे हैं। और ये है किचन किंग, तो ये हमने 3 छोटा चम्मच कर दिया है। तो मतलब जीरा भी 3 छोटा चम्मच है, किचन किंग भी 3 छोटा चम्मच है, लाल मिर्चा पाउडर 4 छोटा चम्मच है, और कोरिएंडर पाउडर 3 हीपफुल बड़ा चम्मच है। ये है मीट मसाला जो स्मिता जी इंडिया से लेकर आती हैं। ये पूरा एक फुल पैकेट पड़ जाएगा इसमें, इसमें अराउंड 8 ग्राम्स है। तो चलिए अपने मसाले को हम लोग डाले मटन के अंदर, आपको दिखा भी दे मटन हमारा कितना प्रिपेयर हुआ है। ये देखिए मटन कितना पानी छोड़ा है, कितना इसका ग्रेवी जो है अच्छा दिख रहा है। और इसके अंदर ये सारे मसाले हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स किया जाए। इसको हम अच्छे से
मिक्स करते हैं। वाओ क्या कलर लग रहा है ना। एग्जैक्टली क्या रंग आ रहा है। मसाले के पड़ते ही इसका जो रंग है काफी और खूबसूरत दिख रहा है। और हमारे ये चिकन देख सकते हैं थोड़ा सा हुआ है, बहुत कस के भूख लग गया है श्रुति जी को अभी। हाँ। बहुत जोर से भूख लग रहा है। भूख नहीं लगा एक्चुअली, ये मसाला का जो फ्लेवर और ये सब खुशबू जा रही है उसको देख करके महसूस करके बहुत भूख लग रही है। अब हम आपको दिखाते हैं कैसा दिख रहा है, किस स्टेज पे पहुंचा है भूजते भूजते। भाई मटन बनाने का मतलब है कि आपके पास ढेर सारा पेशेंस होना चाहिए और टाइम, स्पेशली ये वाला रेसिपी। ये जो हमारा मस्त दिख रहा है मुझे, टिपिकल देहाती वाला जो हमारा रेसिपी होता है उसमें आपको टाइम पेशेंस सब चीज चाहिए। अब इसके अंदर ये हम लोग का बेक्ड अनियंस है जो फ्राइड नहीं है, तो इसमें आप थोड़ा सा ये कह लीजिए कि हम लोग गिल्ट फ्री होके इसको डाल सकते हैं। इसे ना मस्त टेस्ट आता है क्योंकि ये फ्राई ऑनियन है ना, तो फ्राई ऑनियन का तो टेस्ट तो आता ही है मस्त। और ग्रेवी थोड़ा सा थिक भी हो जाता है। हम बता रहे थे कि हम लोग यहाँ मटन बना रहे हैं और जो बॉयज टीम है वहाँ पर मनोज वाजपेयी का गाना सुन रहे, जो नया रैप आया है बम्बई में काबा। तो अब इसको फिर से ढक के थोड़ी देर छोड़ दिया जाए। और ये हमारा चिकन। अब क्योंकि ये मटन जो है वो नीचे से थोड़ा पकड़ रहा है और ये खूब अच्छे से भुना गया है, आप देखिए इसका कलर चारों तरफ से ये ऑयल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा डालेंगे पानी, एक गिलास, और फिर से इसको थोड़ी देर ढक के छोड़ देंगे ताकि तेल जो है वो फिर से थोड़ा ऊपर छलक के आ जाए और हमारा मटन भी अच्छे से गल जाए। यस। और ये है चिकन जो अपना कलर पकड़ रहा है, मस्त दिख रहा है। इसको फिर से हम लोग ढक के छोड़ दे रहे हैं, वो भी धीरे धीरे अपना पक रहा है। दोनों फाइव पे है, अब चलिए बनाते हैं मॉकटेल। तो क्या क्या पड़ेगा इसमें स्मिता जी, बताते जाइए बनाने। इसमें आपने क्या डाला अभी तक? इसके अंदर अभी सिर्फ मिंट पड़ा है, नींबू सब में एक ही। आपके कपड़े से मैच करता हुआ ट्रे है। एग्जैक्टली मोमेंट लुक ये रहा। यस चलिए अब चलते हैं, देखते हैं उन लोगों को कैसा लगा। ये हमारा चिकन देखिए मस्त बन चुका है। चलिए इसमें ऐड करते हैं अब हम थोड़ा गरम मसाला और इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हम शुद्ध घी और थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए जाएगा इसमें हमारा कोरिएंडर। चलिए आपका भी ग्रेवी में ऑयल छोड़ चुका है तो डन हो गया। इसको क्लोज किया जाए। अब इसी बात पे आप थोड़ा सा मटन का लुक जो है हमारे व्यूअर्स को दिखा दिया जाए। चलिए ये देखिए। ओह वाओ। इसमें हम ये मसाले मीट मसाला ऐड कर देते हैं। इसमें भी हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा घी, गरम मसाला पहले। इसमें हमारा जाएगा घी और इसमें जाएगा हमारा थोड़ा सा कोरिएंडर। 10-15 मिनट छोड़ देते हैं रोटी। लगभग 2-3 घंटे के स्लो कुकिंग के बाद हमारा मटन बिल्कुल तैयार हुआ हुआ है, A1 दिख रहा है। अब बस इसको हम जा रहे हैं सर्व करने के लिए। देख लीजिए एक बार कैसा दिख रहा है। तो मटन बन चुका है, आ दिखाते हैं। हमारे जो है ना फ्रेंड वेदुर जी और श्रुति जी बैठ चुके हैं, इनको बहुत भूख लगा है, दिखाते हैं। हाँ वेदुर जी चलिए। भूख लग गया है इसकी वजह से, ऐसे भूख नहीं लगा था। इसकी वजह से स्पेशल भूख है ये। और लास्ट में कितना मुझे रिव्यू दिया जाए। ओह माय गॉड मस्त दिख रहा है ना, बहुत अच्छा, गजब दिख रहा है, गजब। ये देखिए भाई गजब मटन बन चुके हैं। डन डन मटन करी और रोटी और प्याज, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है खाना। स्मिता जी के सौजन्य से आज हमको मटन मिला है।